हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 24 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं। और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आप लोगों को 23 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिविजन भी करवाऊंगी, तो आप लोग उस रिविजन को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला बायोडिग्रेडेबल बैंडेज तैयार किया है? तो हाल ही में ब्रिटिश देश के वैज्ञानिकों ने टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला बायोडिग्रेडेबल बैंडेज तैयार किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने खास तरह का बैंडेज तैयार किया है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सकता है और यह एक प्लास्टर का काम करेगा। और इस जो बैंडेज है, इसका प्रयोग चूहों पर किया जा चुका है और वो सफल भी रहा है। अब इसकी तैयारी इंसानों पर की जा रही है कि इंसानों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये जो बैंडेज बनाया गया है वह किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य में 13 तरह की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 13 तरह की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने 13 तरह की ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाई है। और इन ऑटो रिक्शा में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जीपीएस फैसिलिटी उपलब्ध है। और ये जो 13 तरह के ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाई है, इससे 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो ऑटो रिक्शा चालक होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं होंगी। और इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एम ऑटोज नाम दिया गया है और इसे एम ऑटो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में इटालियन ओपन खिताब 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्समैन को हराकर वर्ष 2020 के मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब को अपने नाम दर्ज किया है। और यह खिताब उनके करियर का पांचवा रोम खिताब है। वही वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 सिमोना हालेफ ने अपने नाम दर्ज किया है। इटालियन ओपन खिताब मेंस डबल का खिताब मार्कल ग्रेनोलर और हेरे कियो जबे लॉस ने, जबकि इटालियन ओपन खिताब वुमेन डबल का खिताब हेसी शू वेई और वारबोरा स्ट्रेकोवा ने जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के आंगरीता शेरपा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक महान पर्वतारोही थे। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1983 से 1996 के बीच 10 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाल के पहले व्यक्ति आंगरीता शेरपा का निधन हुआ है। और उन्हें इस वजह से अपने देश में स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बिना ऑक्सीजन का प्रयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें वर्ष 1987 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आईजी नोबल पुरस्कार पीएम मोदी को मिला है। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में उनकी अहम भूमिका के लिए दिया गया है। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली सीडी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो भारत ने मालदीव देश के साथ पहली सीडी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं।
तो भारत और मालदीप दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। यह मालवाहक नौका सेवा मालदीप के कुल थुलफुसी और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। इस कार्गो फेरी सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मार्ग परिवहन में लगने वाले समय को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य की सरकार ने ई पीक पिहानी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ई पीक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के जरिए होगा क्या, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की कठिनाइयों को कम करना और उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मुहैया कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया है? तो फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल लोगों एवं गाने का अनावरण किया है। 27 सितंबर 2020 को इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। यह उत्सव पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प हथकरघा समुदाय के लोगों को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पर आयरलैंड देश के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और राष्ट्रपति है मैरी मैक अलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने अंबिकापुर के लिए 27 करोड़ रुपए, जगदलपुर के लिए 48 करोड़ रुपए और बिलासपुर के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब यहाँ से आप लोगों के 23 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू होता है। रिवीजन रैपिड फायर की तरह होगा, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। आप लोग रिवीजन को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड रोज डे कब मनाया गया है? तो 22 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह में उड़ीसा के जगन्नाथ जैसा मंदिर बनेगा? तो लंदन में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत देश ने मालदीव देश को कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के जो नए प्रमुख बने हैं वो है अनिल धस्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस जगह वार्षिक शिकारा रेस आयोजित की है? तो भारतीय सेना ने श्रीनगर में वार्षिक शिकारा रेस आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट फिल्म सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो बिगेस्ट फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन बने हैं? तो सीमांचल दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस सब्जियों की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने प्याज के सब्जियों की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।